नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए NH-80 का क्या हाल है, हम आपको दिखाते हैं। भागलपुर, कहलगांव, मुंगेर होते हुए झारखंड के साहिबगंज से लेकर बंगाल के फरक्का तक NH-80 जाता है। लेकिन जो कहानी आज हम आपको बता रहे हैं वो भागलपुर के सबौर से कहलगांव पीरपोती तक की है। यह मार्ग पहले राजकीय उच्च पथ था, जिसे 2001 में राष्ट्रीय उच्च पथ का दर्जा मिला। 310 किलोमीटर लंबी सड़क से बिहार के मुंगेर, भागलपुर, झारखंड के मिर्जा चौकी, साहिबगंज, बंगाल के फरक्का समेत कई शहर और इलाके जुड़े हैं। लेकिन हम आपको NH-80 का वो हाल दिखा रहे हैं जहां पर जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो घोघा से कहलगांव तक खूनी गड्ढे बन गए हैं, जहाँ लगातार ट्रक और वाहन पलटते रहते हैं। बारिश के बाद तो NH खेत बन चुका है। ट्रकों के फंसने और गल्ले टूटने के बाद लगातार जाम से जूझना पड़ता है। इस रास्ते से 30,000 वाहन हर रोज चलते हैं, स्कूल बसें चलती हैं, हर किसी को इसका दंश झेलना पड़ता है। हाल ही में इसी सड़क के गड्ढे में मछली भरी पिकअप वाहन पलट गई थी, जिसके बाद तालाब नुमा गड्ढे में ग्रामीण और बच्चों ने जमकर मछलियां पकड़ी। वहीं इस स्थिति को लेकर NH का जो बुरा हाल है उसको लेकर जो राहगीर है वो क्या कुछ कह रहे हैं आप देखिए। करूंगा इस रोड को जितना जल्दी हो सके आप ऊपर तक पहुंचाइए, क्योंकि इस रोड में जितना परेशानी कहलगांव अनुमंडल के निवासी को हो रहा है शायद ऑल इंडिया में कहीं किसी को नहीं होता होगा। क्या लगता है बन पाएगा? ये तो यहाँ तो बनने का उम्मीद क्या बोलते हैं, हम लोग तो सोच रहे हैं कि अगर बन जाए तो स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा, लेकिन बनने का कोई उम्मीद नहीं है इस रोड का। हर बार वही पीचिसिंग होता है, सिक्का वर्द कर दिया, रिपेयरिंग माल उठा के रख लेता है जमीन। भ्रष्टाचार तो खुलेआम है ना इसका। इस रोड का कहाँ नहीं गया होगा, कहाँ सोया हुआ है नेता लोग। सांसद से उम्मीद क्या होगा, आधा तो चल गया, टाइम कट गया, अब एक दो साल बचा हुआ उसमें अब क्या कर लेगा। अभी कीचड़ से यही बताइए ना, अभी हम एक्सीडेंट हो जाते गाड़ी से। देखिए भाई बैठो ना, घुस गया है रोड में पैर। उम्मीद तो छोड़ दिए हैं, जब होगा सरकार बनाएगी नहीं बनाएगी, अब सरकार का मनमानी चल रहा है तो उसमें आप और हम लोग क्या कर सकते हैं। बारिश में यही सोचिए कि आदमी को जाना, जान को जोखिम में दे के जाना, ये चीज़ संभव नहीं है। आम आदमी रुक जाता है, जो बड़े बड़े आदमी है वो तो ट्रेन से या कुछ से चल जाता है, लेकिन जो नॉर्मल क्लास का आदमी है वो कहाँ है, वो तो भाई इसी रूट से जाएगा। मेरा नाम नवीन कुमार हुआ, कहलगांव से रहने वाले हूँ। तो आपने सुना कि बैंक कर्मी नवीन कुमार बता रहे थे कि किस तरह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं NH-80 के किनारे घोघा में रहने वाले भागलपुर सांसद अजय मंडल जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनका बयान था कि 90 दिनों में NH-80 दुरुस्त होगा, इसके बाद भी यह सड़क नहीं बना, बस बनने के नाम पर पिचिंग हुआ, जो महीने भर में फिर उसी अवस्था में पहुंच गया। इस मामले को लेकर अजय मंडल जो कि भागलपुर के सांसद है वो क्या कुछ कह रहे हैं आप देखिए। NH-80 का काम कब तक शुरू हो सकेगा? NH-80 का काम जो है हमें उम्मीद है कि अगले महीना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बरसात को लेकर के कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बरसात के समय में जैसे कि मिट्टी का नहीं मिलना हो जाएगा और पानी के कारण उनका मशीनरी काम नहीं करेगा, कॉन्ट्रेक्टर का लेबर काम नहीं कर सकेगा, तो बरसात भर तो काम अब बंद रहेगा, लेकिन NH-80 मेरा चालू रहेगा, फुल मेंटेनेंस में रहेगा। कब तक ये शुरू हो सकेगा, लगभग क्या उम्मीद? हमको लगता है कि बरसात के बाद काम शुरू हो जाएगा, बड़ा स्पीड से शुरू हो जाएगा। कितने की लागत लग रही है इसमें? 1,000 करोड़ से लगभग अधिक का लागत। क्या उम्मीद करते हैं अब दुरुस्त NH मिलेगा भागलपुर वासी को? इतना दुरुस्त मिलेगा कि फिर इस NH पर 25 साल तक सोचना नहीं कि इतना मजबूती के साथ बन रहा है। फोर लेन का भी काम चल रहा है, फोर लेन का भी काम चल रहा है, उसका काम कितना तेजी से चल रहा है? अब पूरा काम तेजी से चल रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब तो लोग फोर लेन का यूज भी कभी कभी कर लेते हैं, लोग जिन्हें लगता है कि उधर से स्पीड से निकालना, तो मिट्टी वाला रास्ता भी इतना सुंदर बना दिया गया कि लोग उससे भी अपना रास्ता तय कर लेते हैं। वहीं जब इस मामले को लेकर NH-80 का जो हाल है उसको लेकर जब भागलपुर के DM से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप देख लीजिए। एक दूसरा जो हम लोगों का पुराना NH-80 है जो मुंगेर से मिर्जा चौकी तक जो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट है उसमें भी भागलपुर ज़िले में 2 पैकेज में काम होना है। दोनों में टेंडर हो गया, पिछले साल ही हुआ था लेकिन फिर कैंसिल होना करना पड़ा मिनिस्ट्री को,
फिर से टेंडर हुआ है, और जो बाईपास भागलपुर बाईपास से जो कहलगांव पीरपैंती मिर्जा चौकी तक काम करेगी वो एजेंसी भी आ गई है। इसमें मेजर समस्या है फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर के, प्रोसेस चल रहा है, स्टेट लेवल से ये आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है जैसा मुझे कार्यपालक अभियंता ने बताया है। इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के बाद जो है वो एजेंसी काम शुरू करेगी। एजेंसी के पदाधिकारियों ने भी और कार्यपालक अभियंता ने भी मुझे आश्वस्त किया है, लेकिन हम लोगों ने अनुरोध किया और जो एजेंसी के सीनियर ऑफिसर MD वगैरह आए हुए थे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर NH भी थे, तो हम लोगों ने बताया कि कहलगांव सबौर के बाद से कहलगांव तक रास्ता काफ़ी जर्जर है, उन गड्ढों को भरने की ज़रूरत है। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसी सप्ताह से जो है वो उस गड्ढों को भरने का काम शुरू कर देंगे ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो और लोगों को कम से कम जो है वो कष्ट हो। ये हम लोग इंश्योर कराएंगे कि अगले 10 दिन में उन गड्ढों को भर दिया जाए। सर कितनी की लागत आएगी? ये अमाउंट आप ले लीजिएगा NH के अभियंता से, लेकिन इसमें ये बड़ी राशि की योजना है जो NHAI के 4 पैकेज हैं और जो 2 पैकेज में काम भागलपुर जिले में NH एग्जिस्टिंग NH के स्ट्रेंथनिंग और वाइडनिंग का काम। तो आपने देखा कि भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने कहा है कि NH 80 के लिए 2 पैकेज में काम होना है, टेंडर हो चुका है, एजेंसी भी आ चुकी है, मगर मेजर समस्या फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर आ रही है। प्रोसेस चल रहा है, क्लियरेंस के बाद एजेंसी काम करेगी। सबौर के बाद से कहलगांव तक गड्ढों को भरने की ज़रूरत है, कार्यपालक अभियंता से इसको लेकर बात की गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये NH 80 कब सुधरेगा? NH 80 में जो गड्ढे हैं उसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इन गड्ढों के वजह से कई लोग शिकार बन चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं। सड़क पे पानी भर जाता है, लोग मछलियां पकड़ने लगते हैं, तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं वो लगातार इस NH 80 की सामने आती हैं। लेकिन आखिर कब तक सिर्फ नेता और जिला प्रशासन के तरफ से सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहेगा या फिर NH 80 पर कोई काम भी होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।